श्री राम जय राम जय जय राम। आज का प्रवचन का विषय यह है नामस्मरण और एकाग्रता। नामस्मरण करते समय चित्त एकाग्र क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होता, उसके लिए क्या किया जाए, ये प्रश्न सभी का अंदर में, सब लोग का यही प्रश्न है। यह सच है कि नामस्मरण करते समय, भगवान का नामस्मरण करते समय हजार हजार तरह के दुष्विचार मन में आते रहते हैं। इन विचारों को रोकने का पहला उपाय है उनका पीछा ना करना। यदि विचार मन में आ ही गया तो उसके विस्तार को प्रयत्न पूर्वक आप रोकना ही चाहिए, अर्थात मनोराज ना करना। विचार जैसे आएंगे वैसे चले भी जाएंगे, उधर ध्यान ही नहीं दिया जाए। चित्त की एकाग्रता के लिए, चित्त की एकाग्रता के लिए ही भगवान का नामस्मरण की आवश्यकता है। चित्त की एकाग्रता बहुत ऊंची अवस्था है। चित्त चंचल होता है, उसे कहीं ना कहीं स्थिर करना पड़ता है। यही एक प्रॉब्लम चल रहा है सबको, डिप्रेशन चल रहा है। मंत्र जप करो बोले तो कोई लोग नहीं करता है, क्योंकि लिए चित्त भ्रमा, हमारा चित्त हमारा मन में नहीं है, हम क्या करें। सारा दिन यही प्रश्न उठते रहते हैं लोगों का अंदर, उसे कहीं ना कहीं स्थिर कर, ये चित्त को कहीं ना कहीं स्थिर करना पड़ता है आपको। इसलिए उसे नामस्मरण में व्यस्त रखना चाहिए। वो मन को आप पकड़कर, पकड़ में पकड़कर नामस्मरण में व्यस्त रखना चाहिए। नामस्मरण करते समय हमें उसे सुनना चाहिए। वो नामस्मरण हम करते हैं जोर से करना चाहिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कोई लोग कुछ 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 मन में ही करते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं करना है। आपका चित्त एकाग्रत होना होने के लिए, अगर आपका मन एकाग्रता में नहीं हो तो, चंचल हो तो, इसको पकड़ने का है तो आपको एक मैं सूचना देती हूँ, आप जरूर नामस्मरण को पकड़े, नामस्मरण का चिंतन करो। वो नामस्मरण को सुनना चाहिए, आप ही सुनना चाहिए, जिससे चित्त एकाग्र होने में सहायता होगी। एकाग्रता के बिना नामस्मरण करना व्यर्थ है, और नामस्मरण के बिना एकाग्रता हो नहीं पाती, कभी भी नहीं हो पाती। आज का दुनिया में बहुत लोग एकाग्रता के लिए कोई क्लास जाते हैं, कोई व्यायाम आयाम कुछ ना कुछ करते, सारा दिन टाइम वेस्ट हो रहा है। एक अच्छा सा गुरु को ढूंढो, गुरु को ढूंढ के उसका मुंह से नाम मंत्र आप ले लो, कितना अच्छा दवा है आपको मालूम नहीं है। इसलिए नामस्मरण के बिना एकाग्रता हो नहीं पाती। इस दुविधा के संकट में न अटकते हुए आसान और सरल नाम चुनो।
कोई लोग बोलते क्लेम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय पराय परमोषाय परमात्मने परकर्म मंत्र इंद्र औषध अस्त्र शस्त्राणि संकर समर्पत्योर मोचय मोचय ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त्रे ज्वाला प्रीताय सर्वदीक्षो वणकराय हुंपट परब्रह्मणे परम ज्योतिषे नमः स्वाहा। ये बहुत बड़ा नाम हो गया, बोलने को भी नहीं आता है। इसलिए सदगुरु ब्रह्मचैतन्य महाराज बोलता है, बोल रहे हैं, आप इस दुविधा संकट में ना अटकते हुए आसान और सरल नाम चुनो और नामस्मरण प्रारंभ कर दो, अपने आप एकाग्रता हो जाएगी। एक और बात है, जिस बात में हमें रुचि होती है ना, उसमें एकाग्र हो सकते हैं। किसी एक विषय में हम जब रुचि रखते हैं तो उसका सेवन करते समय, उसका चिंतन करते समय हम एकाग्र होते हैं। हमको दोसा का ऊपर बहुत रुचि है, दोसा का ऊपर मन है। सोचो दोसा खाने के समय इतना एकाग्र होते हैं। कोई लोग हमसे बात करे तो हम एक बात मत करो, हम ही नहीं बात करते, क्योंकि ये डोसा इडली है तो पराठा खाने का मन है, मन क्या है, रुचि 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 में रुचि लग गए हमारा मन, इसलिए हमारा मन एकाग्र हो गए। जब वो डोसा वो इडली यानी पराठा खत्म होता है, हमारा एकाग्रता भी खत्म होता है। अतः हम किसी विषय के बदले भगवान के प्रति निष्ठा रखेंगे, रुचि रखेंगे, तो एकाग्र होना संभव नहीं होगा। इसलिए हम जितनी रुचि विषय के प्रति रखते हैं, उतनी ही यदि भगवान की प्रति के लिए हम ये निष्ठा रखेंगे तो हमारा मन में भगवान के प्रति भी एकाग्रता निर्माण होगी। एकाग्र होने का मतलब है हमारा मन और हम तन मन विलीन या निमग्न होना। नाम का पानी में नमक को पानी में ढालते पर, थोड़ा सा नमक को आप पानी में ढालो, ढालने पर वो नमक वो पानी में विलीन हो जाता है, वह पानी में गल जाता है। क्या वह पानी से अलग रहता है क्या नमक? ये तो शक्कर। योग से एकाग्र हो पाएंगे आप लोग, लेकिन यह एकाग्रता तब तक ही टिकेगी जब तक आप समाधि में है। एकाग्रता का सच्चा साधना सभी जीवों में भगवान को देखना ही है। यदि हम मान ले कि विश्व में सर्वत्र भगवान समाया है तो द्वैत भावना हमारा अंदर कैसे बचेगी है? आप ही सोचो, भगवान ओमनीपोटेंट है, आप भगवान ओमनीप्रेजेंस है, आप भगवान सर्वत्र है और सर्वांतर्यामी अंतर बहिष्ठ तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः अनंतम अव्ययम् कविगम समुद्रेन्तम विश्व शंभुम आप ही बोलते ना। और जहां द्वैत नहीं होता वहां अपने आप एकाग्रता आ ही जाती है। जहां इस प्रकार की एकाग्रता सधृति है वही असली समाधि होती है। मनुष्य चाहे अकेला हो या एकांत में हो, वह अपनी कल्पना की उड़ान से अनेक आदमी अपने आसपास इकट्ठा कर लेता है।
विशेषतः ये विद्वान लोग हैं ना, ये लोग ये सब करते हैं। विद्वान लोगों में कल्पना विलास बहुत अधिक है, अधिक होता है, क्योंकि लिए वो पढ़े लिखे चुके हैं। अतः ऐसे विचार करना ही हो तो, कल्पना करना ही हो तो भगवान के प्रति, भगवान का विषय में करो, प्लीज करिए आप। भगवान हमारे दाता है, भगवान हमारा त्राता है, भगवान हमारा माँ है, भगवान हमारा बाप है, भगवान हमारा बेटा है, भगवान हमारा फ्रेंड है, सब कुछ है। सुख देने वाले हैं। इस प्रकार का विचार करने में, इस प्रकार का विचार करने में ही सच्चा सुख सहाया है और समाया है। इसी में हमारा हित है। कल्पना या विचार के परे जो परमात्मा है, उसी को हम कल्पना या विचार में निर्माण करें, उसे सगुण बनाए, श्री राम का रूप दे दो, या तो भगवान विट्ठल का रूप दे दो, या तो श्री कृष्ण भगवान का विट्ठल का रूप दे दो, आप दे दो ना दे दो, उसका रूप 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 है, वो सगुण रूप में वही वैसा ही रहेगा। कोई लोग बोलेगा, बोलते हैं लोग, बिना रूप आप उपासन करो, ये कभी भी नहीं हो सकता है। रूप, भगवान का रूप, सगुण रूप पकड़ के ही आप उपासना करके करके निर्गुण रूप को, निर्गुण रूप का रास्ते में आपको चलना पड़ता है। और सगुण बनाए और वही अपना चित्त स्थिर करते का प्रयास करे। आज का मुख्य विषय है, आप गुरु महाराज ने क्या बोले है वो मन में नोट करो। मन एकाग्र ना हो तो चिंता की कोई बात नहीं, मत सोचिएगा मेरा मन एकाग्र नहीं है। चलो एकाग्र नहीं हो तो चिंता नहीं, लेकिन भगवान का नाम स्मरण का त्याग नहीं करना चाहिए। सोच समझ के मेरा बात मन में ले लो। ये एकाग्रता के लिए आप श्री राम का जप साधना शुरू करनी ही है, करना है, करनी है। और मेरे साथ आप सब लोग बोल के बोलना ही है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आगे वाले बोलो ना, राधे 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 राधे, श्री राम जय राम जय जय राम।